नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। आज हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आप देखिए, इस समय मैं जो मौजूद हूँ, मणिकर्णिका घाट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हिंदुओं का जो अंतिम संस्कार अगर होता है तो उन्हें मोक्ष की सीधे प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वो आवागमन से छूट जाता है। चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो, मत्स्य पुराण का मत है कि जब ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखी जनों के लिए काशी ही एकमात्र सदगति का रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में की थी। तकरीबन 1000 करोड़ लागत से बने इस धाम में एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित होकर जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चन भी कर सकेंगे। काशी की गलियां बहुत ही सक्रिय है, यहाँ पर तीर्थयात्रियों को कई बार घूम कराना पड़ता है, लेकिन अब विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से उनकी ये समस्या का समाधान हो गया है। वो सीधे गंगा जल लेकर माँ गंगा से भोले भंडारी को जलाभिषेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि विश्व में भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं, उसमें सबसे पहले मंगला आरती बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में ही होती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मंदिर के आसपास के 400 घरों को तोड़कर 57,000 स्क्वायर फीट इलाके में भव्यता का प्रतीक स्थापित किया गया है। मैं करीब 15 साल पहले यहाँ पे आया था, तो यहाँ का मैंने बैकग्राउंड देखा, सिचुएशन देखा, अभी घाट में जो हूँ यहाँ का भी जो मैंने कंडीशन देखा, बहुत ही पुअर था। पुअर में गलत बोल रहा हूँ, पुअरेस्ट था। लेकिन आज मैं मतलब 15 साल बाद पहली बार आ रहा हूँ, मैं यहाँ का जो कंडीशन देख रहा हूँ, जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, इट इज़ रियली वेरी गुड। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आगे चल के जरूर बेनिफिशियल होगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा मोदी जी को और अपने यूपी के सीएम जी। मंदिर परिसर के अंदर ही 4 बड़े द्वार बनाए गए हैं, उसके अलावा 7-8 ऐसे द्वार बनाए गए हैं जहां से दर्शनार्थी मंदिर तक पहुंचकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 18 गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। इस परिसर में 70 दुकानें भी होंगी, पूजन अर्चन का सामान भी खरीद सकेंगे। यहां इस तरह के रैंप और सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को बाबा के धाम तक पहुंचने में कोई समस्या ना हो। यहां परिसर में वाराणसी गैलरी के साथ म्यूजियम भी बनाया गया है, ताकि कॉरिडोर में स्थित मंदिरों का इतिहास पता लग सके। जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है, और ये चूंकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है, और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी ने अगर यह बीड़ा उठाया काशी के कायाकल्प का, आदरणीय मोदी जी और धन्य हैं जो उन्होंने ऐसा संकल्प किया, और आज वह उनकी परिकल्पना मूर्त रूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है। चतुर्दिक हर्ष का वातावरण है, हम सब प्रसन्न हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आगामी 13 दिसंबर को इस भव्यता और अध्यात्म के प्रतीक श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया भर के संतों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपालों की उपस्थिति में करेंगे। इस दौरान पूरी काशी को रोशनी और दीपों की माला से सजाया जाएगा और महीने भर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भारत की तस्वीर के इस अंक में हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की महत्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक जो स्वप्न सरीखा जैसा प्रोजेक्ट था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण किया जा सका है, और दुनिया भर के लोगों की इस पर नजर है। तो हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर की महत्ता के बाद हम आपको अगले अंक में किसी और तीर्थस्थल के बारे में बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत की तस्वीर।